योगी सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक स्कूल मैनेजर की नकल की ट्रेनिंग देते वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मऊ के मधुबन के हरिवंश मेमोरियल कॉलेज के प्रबंधक प्रवीण मल खुलेआम छात्रों को नकल करने का तरीका बता रहे हैं। प्रबंधक प्रवीण कहते हैं कि मुंह से एक दूसरे को सवालों का जवाब बताना नकल नहीं होता। अगर कोई शिक्षक टोके और एक थप्पड़ मार दे तो मार खा लेना, विरोध मत करना। विरोध किया तो सभी शिक्षक तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर शिक्षक तुम्हारे खिलाफ हुए तो पूरे स्कूल का नुकसान हो सकता है। तो शिक्षक ने किस तरह की नसीहत अपने छात्रों को दी है, आइए आपको सुनाते हैं। बेवकूफ की तरह लिख रहे थे, हम लोगों ने उन लोगों को मदद किया, हमारे सेंटर गया, हमारे बच्चे पढ़े, चैलेंज के साथ कहने कि मेरे बच्चे कोई हाईस्कूल का फेल नहीं होगा इंटर का। तुमको डर भागी कोई बात नहीं है, आपस में बात करके भी लिख लेना, समझे कि नहीं समझे। कोई अपना हाथ नहीं पकड़ेगा, मुंह का कौन नकल है, मुंह से बोलोगे कोई नकल है, बात समझे कि नहीं। अपने में आपस में जो एक नंबर दो नंबर का सवाल है उसको आपस में मिला जुला करके लिख लेना, डरना नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, ये एकदम झूठ है। दुबारी इंटर कॉल है, सरकारी विद्यालय है, वो मेरे मित्र है लालमणि यादव जी, हम आते जाते हैं, वहाँ भी डरने की बच्चों तुम लोगों को कोई बात नहीं, वहाँ भी सब सही है, बस रखना, बाकी फोन वोन करके लिख लेना, आगे पीछे जैसे कर लेना काम, और अनुशासन बनाए रखना। यदि चीट कहीं मिले, कोई एक थप्पड़ मार भी दिया उसको बर्दाश्त कर कह देना सर एक थप्पड़ और मार लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है ना, तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खड़ा होगा तने लोगे तो पूरे विद्यालय का नुकसान कर देंगे। उस टीचर लोग कहेंगे बहुत ही मतलब उजड़ किस्म के बच्चे हैं, सबकी टाइट कर देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो इस नाते यदि मान लो कोई बात ही हो गई तो धीरे से पटा जाना, बोलना नहीं, समझे कि नहीं समझे। तुम लोगों से भी कहता हूँ कि अपना कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रश्न लिखोगे 100 रुपया डाल दोगे, नंबर आंख मून करके टीचर देता है, क्या मून कर सुनना, कोई जांचता नहीं है कि क्या लिखा है। हाँ विषयागत लिखो, स्टेप मार्किंग है, जितना लिखो उससे अधिक नंबर पाओगे। 6 नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, अब मान लो उत्तर गलत है, 3 नंबर गारंटी है, गारंटी मिल जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये जानकारी दीजिए, जो ये ज्ञान यहाँ पर शिक्षक के जरिए अपने छात्रों और छात्राओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या कार्रवाई अभी तक इन पर हो पाई है कुछ? जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस मामले में हमने जो डिवाइस राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी मैंने बात किया था, तो वीडियो उनके पास भी पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जो है इस मामले में पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, इससे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। बताते चले कि पूरे मऊ जनपद में जो है पूरा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने का जहां दावा किया जा रहा है, वहीं इस तरह का वीडियो वायरल होने से पूरा जो है शिक्षा विभाग का जो एक तरह से है खोल कर रख दिया गया है कि किस तरह से नकल का जो टिप्स बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप नकल में जो है आप नकल करेंगे और कैसे आप पास होंगे, 100 रुपया मात्र जो है कॉपी में रख। रविंद्र, ये बताइए ये मामला कब का है, क्योंकि कल परीक्षा थी, क्या परीक्षा देने से पहले ये ज्ञान यहाँ पर बरसाया जा रहा था? जी बिल्कुल, परीक्षा के ठीक एक दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये हरिवंश मेमोरियल इंटर कॉलेज के जो नगर पंचायत मधुबन क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे ये प्रबंधक प्रवीण मल जो इस वीडियो में जो बोलती दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्रवीण मल जी हैं जो किस तरह से खुलेआम जो है बैठ कर ये बच्चों को जो है नकल करने का टिप्स बता रहे हैं। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है जिलाधिकारी से लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक के संज्ञान में है, और इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात फिलहाल कही गई है। रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।